नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी हां फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आई है आरबी की तरफ से। जी हां फ्रेंड्स, आरबी जेई के जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट फ्रेंड आउट हो गया। जी हां फ्रेंड, देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आया, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हैं। देखते हैं फाइनली फ्रेंड्स आपका फाइनल रिजल्ट, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया। जी हां फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं जेई फाइनल रिजल्ट आउट, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आप लोग अपना लिस्ट जो फ्रेंड्स कुछ लिस्ट दिया गया, मतलब पीडीएफ फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट दिए, उस डॉक्यूमेंट अपना नाम चाहे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसके रिगार्डिंग में आप लोग ऑफिशियल नोटिस की ओर ले जाता हूँ और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या और किस किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो में रेगुलर इंटरवल पर लिखा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रिजल्ट देखने के लिए आरआरबी कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं फ्रेंड। आज के डेट में 03/2018 यानी जेई का ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर देख सकते हैं। आज के डेट में 1/11/2019 यानी आज के डेट में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग लिस्ट अपना चेक कर सकते हैं किन किन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया और किन किन कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होना। चाहिए इस नोटिस को डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ क्या क्या इसमें प्रोसेस आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट कोलकाता देख सकते हैं आप लोग ऑफिशियल नोटिस। तो चलिए देख लिए तो नोटिस में क्या लिखा गया देख सकते हैं 03/2018 यानी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। चलिए देख लेते रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर यानी JE&JE इंजीनियर इन्फॉर्मेशन यानी IT टेक्नोलॉजी डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS एंड केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट यानी CMA। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जी फ्रेंड लिस्ट नीचे दिया गया किस किस कैंडिडेट का कॉल आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। चलिए देख लेते क्या है पूरा प्रोसेस। तो पॉइंट नंबर वन देखिए फ्रेंड, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT कंडक्टेड, जो कि फ्रेंड्स CBT एग्जाम हम लोग कंडक्ट किया जो कि फ्रेंड्स 28 अगस्त 2019 से हुआ था, जो कि फ्रेंड्स चला था 1 सितंबर 2019 की। और फ्रेंड्स जो कुछ मतलब कहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम था तो उन कैंडिडेट का जो रिवाइज यानी रिवाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था जो कि फ्रेंड्स आपको 19 सितंबर 2019 को कराया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मेन एग्जाम किया जो कि फ्रेंड्स CBT 2 के लिए जो एग्जाम डेट दिया गया, जो कि फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट जो सिलेक्शन पाए थे CBT 2 एग्जाम के लिए तो उनको एक डेट दिया गया जो कि CBT 2 एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड 50% एडिशनल यानी फ्रेंड्स जो कि वैकेंसी जितना उससे 50% अधिक को यानी 50% अधिक कैंडिडेट को बुलाया गया। मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी हो तो वहाँ 1500 कैंडिडेट को बुलाया गया क्योंकि 50% अधिक डॉक्यूमेंट के लिए कॉल आया। तो देख सकते हैं आप लोग वही मेंशन किया 50% एडिशनल कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू एबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एंड अबव नोटिफाइड रिवाइज वैकेंसी पब्लिश ऑन वेबसाइट ऑफ RRB। द कट ऑफ मेरिट इंडेक्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर DOBI ऑल्सो नोटिफाइड हियर विद। जी हाँ फिर नीचे आप लोग कट ऑफ भी मैंसन किया कि हम लोग किस जोन का क्या कट ऑफ गया, तो पूरा नीचे आप लोगों को सारा कुछ मैंसन किया गया इस नोटिस के नीचे में। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग पॉइंट नंबर 14 में जो कि फ्रेंड्स कैंडिडेट मे नोट दैट ऑल रिक्रूटमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटी ऑफ रेलवे इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, ओनली कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक ए पेमेंट टू एनी ऑथराइज अदर देन द प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर 24 रुपीज़। यानी फ्रेंड्स आपको जो है 24 रुपये का मात्र एग्जामिनेशन शुल्क देना जो मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना उसका, और उससे अलावा कोई भी शुल्क आप लोग कोई मांगता है तो उसको आप लोग को नज़रअंदाज करना यानी नहीं देना है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं लिस्ट में किन किन कैंडिडेट का कॉल आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देख सकते हैं कंबाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JE, DMS एंड CMA। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड किन किन कैंडिडेट का जो नाम आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या फ्रेंड देखिए रोल नंबर आप लोग कैंडिडेट का अरेंज किया हुआ जो जिन जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, तो अपना नाम यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना चेक कर सकते हो, रोल नंबर अपना मैच कर सकते किन किन कैंडिडेट का हुआ, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके वहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हो। फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लिस्ट, इसमें लगभग 2000+ कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ था। यानी फ्रेंड्स इन 2000 या 2400 कैंडिडेट जो भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फ्रेंड्स आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो बहुत ही ये लंबा प्रोसेस आप लोग का चलने वाला है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स एंड ऑफ लिस्ट यानी लिस्ट खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए लगभग 2466 कैंडिडेट का कॉल आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होगा उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग मेडिकल का कॉल आएगा। फ्रेंड्स नीचे के नज़र डाल सकते हैं आप लोग कट ऑफ को भी देख सकते हैं, कट ऑफ ऑफ मेरिट इंडेक्स और वेरियस कैटेगरी पोस्ट यानी आप कट ऑफ भी मेंशन कर सकते हैं। यानी फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग रेलवे यूनिट एसीआर यानी साउथ ईस्ट रेलवे का फ्रेंड देख सकते हैं कट ऑफ आप लोग जनरल कैटेगरी में 608.77 गया। वहीं फ्रेंड्स अगर ओबीसी की बात करो तो 587.67 गया, तो अपना कट ऑफ भी चेक कर सकते हो आप लोग किस जोन से डाले हैं, किस जोन से मतलब आप लोग अलॉटमेंट मिले। देख सकते हैं मेट्रो यानी कोलकाता देख सकते हैं 615 यानी जनरल कैटेगरी का यहाँ पर है। तो फ्रेंड देखिए सारा कुछ कट ऑफ नीचे मेंशन किया गया, देख सकते हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद और नमस्कार।